सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंतक के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम जो है राजस्थान हाईकोर्ट पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय। इसके अंदर न्यायाधीशों का जो है, न्यायाधीशों की योग्यताएं पढ़ेंगे, उनकी नियुक्तियां पढ़ेंगी और उनकी शक्तियां पढ़ेंगी, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका जो जिसको हम केंद्रीय न्यायालय कहते हैं, वो जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। वो क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 130 के तहत उसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय क्या है, प्रत्येक राज्य का है और एक से अधिक राज्यों का, मतलब दो राज्यों का एक भी हो सकता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए राज्य के राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था क्या है, उच्च न्यायालय। पूरे देश के अंदर अब हम बात करें न्यायिक एकीकृत न्यायपालिका की, तो वहाँ पर तो सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सर्वोच्च इकाई क्या है, उच्च न्यायालय। जिसका मतलब आगे देखो आप, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 के अनुसार क्या होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है, मतलब इसमें ये भी कहा गया है कि एक से अधिक, मतलब दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप देखो, भारत में सर्वप्रथम न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। देखो आप, भारत में सर्वप्रथम 1862 में सर्वप्रथम कहाँ पर, बॉम्बे, ठीक है, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की। याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1862 में कहाँ पर की, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके बाद देखो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है की स्थापना की, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं भी आपसे कि उच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 214 के तहत हुई। एक उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, ठीक है, और सर्वोच्च इकाई राज्य के स्तर पर, और एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है एक उच्च न्यायालय, तो मतलब दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1862 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, इन राज्यों में की गई। इसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में अभी की बात कर रहे हैं, कितने हैं वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय, वर्तमान में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के अंदर, ठीक है, वर्तमान में भारत के अंदर कितनी उच्च न्यायालय है, चूंकि आपको पता है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। वर्तमान में अभी आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उच्च न्यायालय कितने हैं, 24। याद रखिएगा, 24 का मतलब एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय भी हो सकता है। आर्टिकल 214 में इसकी व्याख्या की गई, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, मतलब एक उच्च न्यायालय में दो राज्यों की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। आगे देखो, उच्च न्यायालय का गठन हम देखते हैं, उच्च न्यायालय का जो है हम गठन देखते हैं। हम अब जो है हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय का गठन, अब गठन होता है आर्टिकल 216 के अंदर, ठीक है। अब उच्च न्यायालय के अंदर कौन कौन पदाधिकारी होंगे, तो एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात एक मुख्य न्यायमूर्ति के साथ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समय समय पर अगर इनकी संख्या बढ़ानी हो तो उसमें भी जो है राष्ट्रपति इनमें क्या करता है, परिवर्तन करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहते हैं,
ठीक है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अब आप आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 217 पृष्ठ के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति महोदय भी किन के अनुशंसा पर करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपके राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी, तो राष्ट्रपति महोदय करेगा। तो राष्ट्रपति महोदय किस प्रकार करेगा कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक अमुक व्यक्ति की अभिशंसा करेगा, उस संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, ठीक है। और कौन कौन करेगा देखो आप, उच्चतम राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम प्रणाली और संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा? परामर्श लेगा। परामर्श लेकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में उच्च न्यायालय है, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, तो उसके लिए चाहिए क्या चाहिए? एक तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस अमुक व्यक्ति की अभिशंसा करे, मतलब उसके बारे में उसके नाम को सुझाए, ठीक है, कॉर्नेजियम पढ़लाने के आधार पर, ठीक है। और दूसरा, संबंधित राज्य का राज्यपाल भी उसके नाम की, किसके नाम की? जो मुख्य न्यायाधीश बन रहा है उसके नाम की क्या करे? अभिशंसा करे। किसको? राष्ट्रपति महोदय। अब देखिए आप, अब जो है, अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी, किसको करनी है? राष्ट्रपति महोदय। तो अन्य जो नए न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए उनके नामों को भी सुझाना पड़ता है, बताना पड़ता है ना, अभिशंसा करनी पड़ती है राष्ट्रपति को। तो एक तो कौन करेगा इसमें देखो आप, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का, मतलब जैसे राजस्थान में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है ना हाईकोर्ट के अंदर, तो एक तो उच्चतम न्यायालय का यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संबंधित राज्य का मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और संबंधित राज्य का राज्यपाल ये अभिशंसा करे कि ये अमुक व्यक्ति अन्य न्यायाधीश के पद पर बैठकर मतलब उचित कार्य कर सकते हैं, इनको कार्य अनुभव है, उचित दक्षता है, ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, ठीक है, एबल है आदि, ये सब लिखित रूप से अभिशंसा करेंगे राष्ट्रपति महोदय को। तो राष्ट्रपति के नाम से अन्य जो है कौन न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति महोदय करता है मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों। तो मैंने आपको बता दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन अभिशंसा करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी कौन कौन सुझाव देता है या अभिशंसा करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करता है कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए आगे आप, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश की योग्यता है, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 है ना -2 में किया गया है। तो क्या क्या उल्लेख है? न्यायाधीश हर कोई तो बन नहीं सकता, अब बनेगा कौन? तो उसके लिए पहली कंडीशन की वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो। तो पहली कंडीशन क्या है? एक तो वो भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक वो न्यायिक सेवा में कार्य कर चुका हो, 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में कार्य कर चुका हो और 10 वर्ष तक वो किसी भी संबंधित राज्य में, ठीक है, या उसी राज्य में राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुका हो। अधिवक्ता किसको कहते हैं? बड़े वकील को, ठीक है, जो वकालत करता है ना उसको अधिवक्ता कहते हैं हिंदी में, समझ में आ रही मेरी बात? तो 10 वर्ष तक उसने न्यायिक पद पर कार्य किया हो, मतलब निचले तबके को पर क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, और 10 वर्ष तक या फिर उसने अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो, ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। कार्यकाल क्या है? कार्यकाल देखिए आप, कार्यकाल क्या है इनका? 217 पृष्ठ के अनुसार इनका कार्यकाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए जो है कार्यकाल, मैंने आपको बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष होने तक वो अपने पद पर कार्य करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के संदर्भ में आज हम पढ़ रहे हैं, तो उच्च न्यायालय में ये इस बात की व्याख्या है आर्टिकल 217 पृष्ठ में कि उनकी उम्र
62 वर्ष होने तक वो अपने पद पर कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तो 65 वर्ष तक, लेकिन उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने के बाद वो अपने पद से क्या मान लिए जाएंगे? अपदस्त मान लिए जाएंगे, अड़ा दिए जाते हैं। 62 वर्ष तक वो कार्य करते हैं, 62 से ऊपर होने के बाद उनको पद से हटा दिया जाता है। तो देखिए इसमें आप, वो 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबंधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? उसको लगता है कि मैं उचित निर्णय नहीं दे पा रहा, उचित फैसले नहीं दे पा रहा जनता के हितार्थ, ठीक है, मेरा मनोवैज्ञानिक ढंग अभी सही नहीं है, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, तो वह अपने पद से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करके पत्र लिखकर अपने पद से निर्मुक्त हो सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, आगे देखो, न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात, संसद को यह प्रतीत होता है कि ये मुख्य न्यायाधीश है, ये संवैधानिक ढांचे के अनुसार उचित फैसले नहीं दे रहा, न्याय संगत ढंग से ही उचित फैसले नहीं दे रहे हैं, तो संसद में 2/3 बहुमत से इनको पद से अपदस्त करना, अर्थात इनके ऊपर महाभियोग भी लगा सकते हैं, संसद में कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग क्या करें, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दें, तब भी मुख्य न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है या फिर अन्य न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप देखिए, हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश द्वारा शपथ, आर्टिकल 219 में इस बात का उल्लेख है ना, तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, लेकिन शपथ जो है किनके समक्ष लेते हैं, शपथ दिलाता कौन है, तो मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 219 में इस बात का उल्लेख है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति मोदी करता है तो इनको शपथ जो है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है, कौन दिलाता है? राज्यपाल, याद रखिएगा, कौन दिलाता है इनको शपथ? राज्यपाल दिलाता है, याद है ना आपको, बता रखा है। आगे देखो, अब बात आती है आगे न्यायाधीशों के स्थानांतरण की, ट्रांसफर की। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। बात आ जाती है कि मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इसको मुंबई हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनाना है, तो आर्टिकल 222 के अकॉर्डिंग, 222 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति महोदय को परामर्श करता है कि इस अमुक राज्य के न्यायाधीश का जो है स्थानांतरण किया जाए, राजस्थान से हटाकर इसको जो है जम्मू कश्मीर का जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए उच्च न्यायालय का, या फिर उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश जिसको बनाया जाए उच्च न्यायालय का। यह प्रशंसा या सुझाव कौन करता है? उच्चतम को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बात को बताता है या सुझाव करता है राष्ट्रपति महोदय को कि राजस्थान के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो है स्थानांतरण किया जाए, कहाँ? मुंबई हाईकोर्ट में या MP हाईकोर्ट में। समझ में आ रही मेरी बात? इनका स्थानांतरण आर्टिकल 222 के अनुसार होता है। ठीक है, आगे देखो, न्यायाधीशों के वेतन, अब इनकी वेतन से संबंधित बात आती है, तो वेतन में आप देखिए अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये और अन्य न्यायाधीश को 80,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अब इनकी बात करते हैं, हम वेतन की, न्यायाधीशों की वेतन की बात करते हैं, न्यायाधीश के वेतन की आप बात करो तो आगे देखो, इसमें न्यायाधीश के वेतन की बात करते हैं हम, आर्टिकल 221 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के जो वेतन है वो कौन करता है? तो देखो आप, वेतन संसद विधि द्वारा मतलब कानून के द्वारा, संसद विधि द्वारा अर्थात कानून के द्वारा निश्चित करेगी। संसद क्या करेगी इसमें देखो आप, संसद क्या करती है? विधि द्वारा, विधि मतलब कानून के द्वारा, किनके द्वारा? कानून के द्वारा इनके वेतन और भत्ते तय
करती है। कौन करती है? संसद, पार्लियामेंट करती है। करती नहीं करती? आगे देखो, निश्चित करेगी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। देखो मान लो आप राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। देखो आप मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश का वेतन कितना है मैं आपको बता देता हूं, 90,000 रुपये। कितने हजार रुपए? और अन्य न्यायाधीश का 80,000 रुपये। याद रखना है ये चीजें। आगे देखो, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं क्या क्या है, तो हम स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फ्रीडम से इसको दी गई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं, क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई उच्च न्यायालय। तो पहली चीज तो इनकी नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो एक स्वतंत्र निष्पक्ष की जाती है, उसमें किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा मैंने आपको बता दी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मतलब कॉलेजियम प्रणाली, और संबंधित राज्य का राज्यपाल अनुशंसा करेगा, तब जाके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मैंने आपको बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश है ना, और उस संबंधित राज्य का राज्यपाल, तीनों मिलकर अमुक व्यक्ति के नाम की जो है प्रशंसा करेंगे या सुझाव देंगे, तब राष्ट्रपति के नाम से ना क्या करेंगे, वो नियुक्त होते हैं, और उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो ये विशेष प्रक्रिया जो है इसमें किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं होती, जिनकी नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया, ये एक पहली कंडीशन में एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है नियुक्ति के लिए, विशेष प्रक्रिया है, ठीक है। अब निश्चित कार्यकाल है, यानी 62 वर्ष तक के नहीं होंगे, वहाँ तक उनको पद से नहीं हटाया जाता। हाँ, अगर पद से वो संवैधानिक ढांचे का कहीं कहीं उल्लंघन करते हैं तो संसद क्या करती है, उनके खिलाफ क्या करती है, फिर क्या करती है, महाभियोग प्रस्ताव लाती है, मतलब पदच्युति की, पद से हटाने की प्रक्रिया लाती है, ठीक है। संसद के न्यायाधीशों के आचरण और महाभियोग की के अतिरिक्त चर्चा नहीं की जाती। देखो कोई मुख्य न्यायाधीश से संबंधित, मान लो अपने राजस्थान का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अब एक तो उनकी चर्चा की जाती है किसके लिए, आचरण की, कि वाकई इनका आचरण न्याय संगत है कि नहीं, उचित फैसले दे रहे हैं नहीं दे रहे, ठीक है। और महाभियोग अगर वो सिद्ध कदाचरण हो जाता है उनके खिलाफ, सिद्ध कदाचरण प्रतीत हो जाता है संसद को कि ये उचित फैसले नहीं दे रहे हैं, या फिर इनके खिलाफ क्या है, कदाचारिता का जो है वो है भाव, तो उनको यानी आचरण और महाभियोग के अलावा किसी भी प्रकार की, चाहे संसद हो या राज्य का विधानमंडल हो, कहीं पर भी चर्चा नहीं की जा सकती। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यायाधीश के द्वारा दिए गए फैसलों की चर्चा संसद के अंदर नहीं की जाती। संसद के परिप्रेक्ष्य में और राज्य की विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा दिए गए फैसलों की कभी भी चर्चा नहीं की जाती। इम्पोर्टेंट बात ही, ये इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उनके द्वारा दिए गए फैसलों की कभी भी परिचर्चा और चर्चा संसद में नहीं की जाती, ना ही राज्य की विधानमंडल में की जाती, ध्यान रखिए बात। आगे देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उच्च न्यायालय में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो आप, पहले जैसे राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित है, अब उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया, वो 62 वर्ष का हो गया, समझ में आ रही मेरी बात, तो 62 वर्ष के होने के उपरांत वो अधिवक्ता के तौर पर उसी न्यायालय में या किसी भी निचले स्तर के न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर कार्य नहीं करेगा, ये हमारे संविधान में उल्लिखित है, बात समझ आ रही मेरी बात। आगे देखो, और क्या है करेगा, जहाँ वो स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो, जहाँ वो स्थायी न्यायाधीश रह गया हो ना, वहाँ पर जाकर वो मतलब अधिवक्ता के तौर पर, जैसे राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश रह गया तो राजस्थान के अंदर वो अधिवक्ता के तौर पर कार्य नहीं करेगा। अभी जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो पद पे रह गया, अब वो राजस्थान या किसी भी अन्य राज्य में जाकर अधिवक्ता के तौर पर कार्य नहीं करेगा, ये संविधान में उल्लेखित है। इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उनके द्वारा सुनाए गए या दिए गए फैसलों पर कहीं भी आलोचनात्मक परीक्षण नहीं किया जाता, संसद में हो या फिर विधानमंडल में। अपने राजस्थान की विधानसभा है, उसमें भी उनकी आलोचना नहीं की जाती, ना ही लोकसभा और राज्यसभा में की जाती, बात समझ में आएगी है ना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।
धन्यवाद।